मयि श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्कृते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि घोर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय कृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशीर्वादीपाशादेशसारिणे भूतं करोति वाचालं पङ्गुं नन्दायते यत्कृपासं अहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। तो आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। और अगर बच्चे जैसे शोर मचा रहे हैं तो आप उनको साइलेंट मोड पे रख सकते हैं, वाइब्रेशन पे छोड़ सकते हैं ताकि ताकि उनकी आवाज़ ना आए। तो आज जो जिस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है हरि नाम की महिमा। तो इसके ऊपर मतलब मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन माता जी ने मेरे को सेवा दी है और आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं। आपने हमें अपने शुद्धिकरण का मौका दिया, आपकी वजह से हम भगवान को याद कर पाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और आपने यहाँ पर कीर्तन में भी पार्टिसिपेट करा और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हरि नाम का जप करा। तो यहाँ पर जितने भी उपस्थित प्रभु जी हैं, प्रभु जी राजकुमार, तो राजकुमार प्रभु जी का विशेष रूप से धन्यवाद। प्रभु जी स्पेशली स्पीकर लाए और टाइम टू टाइम जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं तो प्रभु जी पूरे तरीके से सहयोग कर रहे हैं और माता जी का परिवार पूरे तरीके से सहयोग कर रहे हैं। माता जी जो है धर्मेंद्र प्रभु जी की वाइफ हैं और जितने भी भक्त यहाँ पे पूरे तरीके से सहयोग कर रहे हैं या फिर जो यहाँ पे आके बैठे हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, तो उन सबके लिए तीन बार हम हरि बोल बोलेंगे। और अगर मेरे से कोई नाम पर्टिकुलरली भूलना रह गया तो मेरे को क्षमा करिएगा। जितने भक्त यहाँ पे हैं वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, महाभाव गौर प्रभु, ये जो आज के हमारे स्पीकर हैं। और स्पिरिचुअली बहुत बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्रभु जी का बहुत हाई है। आप किसी भी चीज़ में आप उनसे चर्चा कीजिए बहुत अच्छे से, वो क्योंकि शास्त्र पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, है ना। मटेरियल नॉलेज भी प्रभु जी की बीएससी है प्रभु जी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना। और प्रभु जी मेडिकल लाइन में हैं और काफ़ी गाइड करते हैं सब भक्तों को। और सबसे अच्छी चीज़ प्रभु जी की है कि बहुत सपोर्टिव हैं, हमारे यूथ फोरम को प्रभु जी संभालते हैं। आप समझ रहे हैं लड़कों को संभालना, आप माताओं से एक लड़का नहीं संभालता और ये सारे पूरे कॉम्युनिकेशन के लड़कों को संभाल के रखते हैं, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, उनको सही डायरेक्शन देते हैं, है ना। और इसके अलावा प्रभु जी टाइम टू टाइम हम लोगों को भी गाइड करते रहते हैं। तो प्रभु जी का हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम महाभाव गौर प्रभु जी के मुख से सुनेंगे। हमें एक बार पहले भी मौका मिला था महाभाव गौर के मुख से सुनने का, जब हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था लास्ट, तभी हमारे स्पीकर थे महाभाव गौर। तो
है ना। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें हेल्प करने माँ बाप और गौर प्रभु हमेशा आगे रहते हैं। तो आज हम हरिनाम के विशेष महत्व के बारे में माँ बाप प्रभु से सुनेंगे। तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे हरि बोल बोल के माँ बाप गौर प्रभु के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद माता जी, ने काफ़ी चीज़ें बता दी। मैं सुन के तब मेरे को खुद मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को क्वालिफाइड नहीं मानता, लेकिन भक्तों का नज़रिया ऐसा होता है कि भक्त सम्यक गुण देखते हैं ना। और मैं शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बापू धाम में माता जी काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, भक्तों को साथ में लेके आ रही हैं, ताकि वो अपने जीवन के जो वास्तविक गंतव्य है उसको प्राप्त कर सकें, है ना। तो यहीं से हम आज की शुरुआत करेंगे। तो माता जी जिस तरीके से आप सबको ला रहे हैं, बहुत बड़े उद्देश्य है कि, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के माता जी का सिर्फ यही उद्देश्य है कि वो गुरु शिष्य परंपरा को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर, और चाहती हैं कि आप सबको गुरु का आशीर्वाद मिले, मतलब भगवान का आशीर्वाद मिले, और आप जब इस जीवन में जब इस शरीर को छोड़ के जाएँ तो भगवान के धाम जाएं। तो माता जी के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे हम। हरि बोल। तो आज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम हरि नाम की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बिल्कुल इस तरीके से बताऊंगा ताकि आम बोलचाल की भाषा में, ताकि आपको अपने जीवन से उसको आप रिलेट करके देख सकें। तो उसमें मैं दो या तीन कथा शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें, है ना। तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के नाम से बढ़कर इस संसार में कोई सत्य नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, और भगवान के नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। भगवान के नाम में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति डाली है, और भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है, और अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, चाहे भले ही वो जाने में ले या अनजाने में ले, तो भगवान इसको हमेशा याद रखते हैं। और जिन परेशानियों के बारे में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, वो सारी परेशानियां उसके जीवन से दूर हो जाती हैं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। इनफैक्ट ये जो भगवान का नाम है, ये एक ऐसी वस्तु है कि जब इस संसार में व्यक्ति होता है, अरे तो जब इस संसार में व्यक्ति होता है तब तो भगवान का नाम उसके साथ रहता ही है, लेकिन जब वो इस संसार से चला जाता है तब भी भगवान का नाम ही उसके साथ जाता है। उसके अपने जिनको वो उतना प्रेम करता है वो सब उसके साथ नहीं जाते, तो तभी हम बोलते भी हैं जाते हुए कि राम का नाम ही सत्य है ना। तो भगवान के नाम के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो हम पहले जैसे पिछली बार जो हमने सबसे पहले चर्चा करी थी, तो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको, सबको याद है, कथा सुनाई थी, किसी को याद है? सबसे पहले जब माता जी ने यहाँ पे इधर प्रोग्राम करवाया था रविवार, तो मैं उसी को ना एक बहुत संक्षिप्त में एक बार दोबारा सुनाऊँगा, और उसमें उससे आपको ना लेसन मिलेगा, बहुत शॉर्ट में सुनाऊँगा। एक बार एक व्यक्ति जंगल में खो जाता है, और जंगल में बहुत अंधेरा होता है, और जंगल में उसके पीछे एक शेर पड़ जाता है, और वो जहाँ भी जाता है वो भूखा शेर उसके पीछे पीछे आता है। तो वो पेड़ पे चढ़ता है तो शेर भी पेड़ पे चढ़ जाता है, बड़ा अद्भुत शेर है ना। तो वो भागता जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, और एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ से
आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। वो जगह थी एक बड़ी सी खाई थी, गहरी खाई थी, और वो व्यक्ति जो है डर के मारे उस खाई में कूद जाता है, और जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो उसका हाथ जो है वो एक पेड़ के तने में लगता है। तो उस पेड़ के तने में मधुमक्खियों का छत्ता था, तो वो मधुमक्खियों के छत्ते पे हाथ लगता है तो वो नीचे गिरता है और मधुमक्खियों का छत्ता फट जाता है और वो मधुमक्खियाँ उसके पीछे आती हैं और वो नीचे गिरता गिरता एक डाली पर लटक जाता है। उस डाली पर दो चूहे थे, एक सफेद रंग का चूहा एक काले रंग का, और वो उस डाली को काट रहे थे। और जैसे ही वो नीचे देखता है तो नीचे एक नदी होती है और नदी में एक मगरमच्छ होता है जो मुंह खोले खड़ा था। एक तरफ तो शेर ऊपर इंतजार कर रहा है, ऊपर से मधुमक्खी काट रही है, ऊपर से दो चूहे काले और सफेद डाली को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, नीचे कूदने का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि मगरमच्छ है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका बचना जो है नामुमकिन है। और तो इसमें बताते हैं कि वो जो शेर है वो हमारे कर्म है, वो हमारे पीछे कभी नहीं छोड़ते। आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। आप यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, है ना, जितने भी भक्त बैठे हैं सबकी किस्मत अलग अलग है और सब अपने कर्म लिखवा के आए हैं, है ना, उसका मतलब कर्मों का फल लिखवा के आए हैं। कर्म तो आपने जो पिछले जन्म में करे होंगे उसी के अनुसार आपको इस जन्म में सुख या दुख की प्राप्ति होगी। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पे दुख चाहता हो, कितने भक्त हैं जो दुख चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, कोई चाहता है? अच्छा, कितने भक्त हैं जो सुख चाहते हैं? सब चाहते हैं, ये तो कुंती महारानी की शिक्षा है। तो माता जी का भाव अच्छा है कि दुख दुख में सिमरन कर सकते हैं भगवान का, लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो दुख कोई चाहता नहीं है, मतलब हमारा वो लेवल नहीं है। इनफैक्ट हम कई बार बोलते हैं लेकिन जब दुख आता है तो वो जिस पे आता है वही जानता है। घर के काम नहीं होते, है ना, बात नहीं होती, है ना, इलाज नहीं होता, मान लो इलाज दवाई नहीं लग रही शरीर पे, जैसे कोरोना में इतनी दवाइयां हम ले रहे थे लेकिन वो शरीर पे असर नहीं करती, तो हम कहते हैं ना कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, डर जाते हैं। बहुत मुश्किल है, मतलब दुख में भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, आसान नहीं है, लेकिन जो याद कर सकता है तो वो बहुत बड़ा भक्त है ना। तो क्या है कि दुख कोई नहीं चाहता लेकिन दुख आता है। तो उसी तरीके से मतलब सुख तो सभी चाहते हैं लेकिन सुख हमेशा रहता नहीं है ना। तो हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो ये कहते हैं, बताते हैं, वो शिक्षा देते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो सुख और दुख के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करता। वो क्या करता है, वो तो उसके भाग्य में है, वो तो आएगा ही, वो अपने मनुष्य जीवन के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान को प्राप्त करना, उसकी उसके लिए जरूर प्रयास करता है ना। क्योंकि आपने कोई कर्म करें तो कर्म आपके पीछे शेर की तरह लगे पड़ेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब जो कुछ उपाय करते हैं, जैसे कि किसी तांत्रिक से कोई उपाय करवाते हैं, है ना, या फिर कुछ अनुष्ठान कराते हैं, या किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं वो कुछ बताता है ना। तो ये सब जो भी चीज़ें होती हैं ये आपकी किस्मत में जो फल लिखा है बुरा वाला उसको चीज़ें रोक सकती हैं लेकिन फल को ख़त्म नहीं कर सकती। मान लो आपने किसी चीज़ को थोड़ी देर दबाव से रोक दिया लेकिन कोई बुरा फल आपके जीवन में आना है तो आप मान लीजिए इस जीवन में नहीं आएगा तो अगले जीवन में आएगा, तो आप बच नहीं सकते, अपने कर्मों से बच नहीं सकते। तो कर्म से कौन बचा सकता है, उस शेर से कौन बचा सकता है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र जो है हमारे कर्मों को काटता है, ये है पहला उसका पहला उसकी उसका गुण, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र से हमें क्या प्राप्त होता है, हमारे कर्म कटते हैं, क्या कटते हैं, कर्म कटते हैं। तो जो श्रीला प्रभुपाद जी के जो
हाँ, श्री लीला प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव हैं ये हैं श्री लीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये साइड में है ना यहाँ पर। ये कहते थे इनके इनके स्टैंडर्ड बहुत हाई थे, प्रभुपाद जी तो बहुत कृपालु हैं। इनके जो गुरुदेव थे वो कहते थे कि 64 राउंड्स आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना है। अब सोचिए इतना आसान नहीं है, हम 8 घंटे लगते, 8 से 10 घंटे आप बैठ के जप करेंगे, बहुत मुश्किल, 2 घंटे में हालत खराब हो जाएगी। तो ये इनका स्टैंडर्ड था 64 माला करना। तो कुछ भक्त जब किसी सेवा में होते थे या फिर कुछ भक्त किसी शारीरिक परेशानी के कारण या किसी मानसिक परेशानी के कारण 64 माला नहीं करते थे, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद जो हैं उनको डांटते थे। क्यों डांटते थे? क्योंकि वो कहते थे, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन में बहुत चीज़ों को बदल सकता है। वो कहते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना हमारे कर्मों को काटता है और मंदिर में ना हर तरफ से धन आता है ना। कोई व्यक्ति पता नहीं किस उससे चोरी करी हो किसी व्यक्ति ने कोई पाप करा हो, हेरा फेरी करी हो, तो उससे धन आएगा। अब उस धन को बचाना आसान काम नहीं है। किसी भी चीज को जो आप बाहर से खरीदते हैं वो कैसे आई है, ब्लैक मार्केटिंग से आ रही है, वो कैसे भी आ रही है, वो आपके घर में आ रही है ना, उसका आपको रिएक्शन भुगतना पड़ेगा, उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, दुख के रूप में, है ना, दुख के रूप में आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जब कोई भी चीज आप ले लीजिए, राशन ले लीजिए, पानी ले लीजिए, जो भी चीज आपके घर में आ रही है, जो भी आप सेवन कर रहे हैं, उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा? कि वो पता नहीं कैसे आ रही है आपको नहीं पता। और अगर अच्छे कर्म करके भी आ रही होगी तो वो जिसकी चीज है हम उसको थैंक नहीं करते, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने बोला कि जो व्यक्ति 64 माला नहीं करता वो इस पाप को झेल नहीं पाएगा, है ना। उसके मन में क्या होगा? विकार उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, विकार उत्पन्न हो पाएंगे ना, मतलब कि भाई उसको उसके मन में जो है पाप करने के विचार आएंगे, भगवान से दूर जाने के विचार आएंगे, है ना, मन में द्वेष उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, मद उत्पन्न होगा, मत्सर उत्पन्न होगा, ये सब चीज़ें उत्पन्न होंगी। तो उन्होंने कहा था कि 64 माला करनी ही करनी है अगर आप बचना चाहते हो। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा जो इस्कॉन का जो मूवमेंट है ये प्रचार मूवमेंट है, प्रचार ही सार है, बाकी सब बेकार है ना। तो जो भक्त प्रचार में लगे वो जरूर, कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 64 माला कर पाए, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन कई बार जरूर पॉसिबल नहीं होता। और पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि वो नहीं करना चाहते, चक्कर ये होता है कि भक्त बहुत कृपालु होते हैं, भक्त अपनी माला सेक्रीफाइस करके कल्याण करना चाहते हैं, है ना। नहीं तो स्टैंडर्ड यही है कि आप 64 माला करिए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि लेकिन मिनिमम 16 करना है, मिनिमम 16 करना, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 16 करना। तो यहाँ पे जितने भी भक्त बैठे हैं अगर आप अभी 16 माला नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप एक माला जरूर करिए, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके जीवन में कितने कितने चीजें आने वाली हैं, या फिर आपके जीवन में हो सकता है कि कई सारी चीजें अभी हों जो आपको परेशान करते हों, है ना। ये जो जितनी भी चीजें आपके जीवन में परेशान करती हैं उसका एकमात्र निवारण है हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो आपके जीवन से जो आपके कर्म है, क्योंकि कर्म के कारण ही तो दुख होता है, कर्म के कारण ही तो परेशानी होती है, तो आपके कर्म कटेंगे। तो ये हरिनाम की महिमा है, पहली महिमा है कि हरिनाम से आपके सारे कर्म कट जाएंगे, ये याद रहेगा आपको, है ना। ये तो एक बार आप सब बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और जो जब वो शेर का, तो चलो हमने काम तमाम कर दिया, अब वो जो है जिस डाली पे लटका हुआ है उस डाली पे उसको बहुत सारी मधुमक्खियां काट रही हैं, है ना। और शास्त्र में बताया गया कि मधुमक्खियां जो हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार जो होते हैं, मतलब कई बार अच्छे भी होते हैं और कई बार बुरे भी होते हैं, है ना।
तो वो भी कई बार बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना, इधर की बात उधर कर देते हैं। या कई हमारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो हम जिनको हमारी खुशी नहीं देखी जाती, वो भी इधर की बात उधर कर देते हैं, है ना। तो कई कई तरह की परेशानी होती है, या हमारे जो जॉब करते हैं प्रभु जी अपने ड्यूटीज को निभाते हैं, वहाँ पे कई कुलीग्स होते हैं जो चाहते नहीं है कि हम आप लोग आगे बढ़े, है ना, वो आपके जीवन में जो है मुश्किलें खड़ी करते हैं, आपकी उन्नति देखना नहीं चाहते। तो ये सब कौन है? मधुमक्खियां। तो मधुमक्खी जो है एक ऐसे व्यक्ति जो पेड़ पे लटका हुआ है, वो मधुमक्खी को अकेले भगा नहीं सकता, है ना। तो मधुमक्खी जो है वो हमारे जितने भी सारी चीजें अनवांटेड थिंग्स हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी परेशानियां, तो वो सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, है ना। ये दूसरी महिमा है। अब तीसरी महिमा क्या है कि वो जो दो चूहे हैं, एक काला और एक सफेद, वो है दिन और रात। जैसे जैसे जीवन आपका आगे बढ़ रहा है, तो ये दिन और रात जो है ना आपके जीवन को आपसे खींच रहे हैं। दिन होता है और फिर रात होती है। हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, हमें नहीं पता कि हमने पूरा दिन क्या करा, बस हम सोचने का भी समय नहीं मिलता, हमारा ऐसे ही चला जाता है। अब कई बार सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि कहाँ गया हमारा बचपन। हम जैसे गृहस्थ नहीं थे, तो जैसे वो अभी हाल ही की बात है जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया था और हम कितने सुखी थे ना, कहाँ है वो कहाँ समय चला गया हमारा, है ना। बहुत सारी यादें आती हैं हमें, है ना। तो समय इतना तेज है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये काला और सफेद चूहा जो है, ये समय है जो धीरे धीरे जो और ये डाली है ना, ये हमारा शरीर है, ये हमारे शरीर को काट रहे हैं। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो क्या होता है कि ये जो समय का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता नहीं है, ना, समय अतीत हो जाते हैं, आप समय का प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो करता है उसको पता है। हम ये सोचते हैं अगर ये भगवान का नाम तो बुढ़ापे में लेना चाहिए, जब मुंह में दांत नहीं होंगे, फेफड़े खराब हो चुके होंगे, किडनी खराब हो चुकी होगी, लीवर खराब हो चुका होगा, चला नहीं जाएगा, है ना, पूरे तरीके से हम गंजे हो चुके होंगे, अंधे हो चुके होंगे, है ना, और बोला नहीं जाएगा हमसे, बिल्कुल तब लेंगे हम भगवान का नाम, है ना, उससे पहले हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। तो तब आप ये देखिए कि बाहर समाज के अंदर कितने बूढ़े लोग हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, नहीं लेते ना, क्योंकि उन्हें तकलीफ है, क्योंकि उनको दर्द है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये समय से ऊपर चले जाते हैं हम, है ना, समय से ऊपर चले जाते हैं, समय का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता, और ये वो लेता है उसको पता लगता है। ये कौन से नंबर की महिमा हो गई? तीसरी। अब चौथी हरि नाम की महिमा ये है कि वो जो नीचे मगरमच्छ है नदी के नीचे, वो मगरमच्छ है मृत्यु, एक दिन मृत्यु हम सबको आनी है, तो हरि नाम जो है वो हमें मृत्यु से बचा सकता है। कहते हैं कि मृत्यु जब होती है तो व्यक्ति को 40,000 बिच्छू जैसे काटते हैं, इतना दर्द होता है। और वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में ना 10 प्रकार की वायु है, 5 प्रकार की वायु प्रमुख है, प्राण अपान व्यान समान उदान, है ना, ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर को प्रमुख रूप से चलाती है। इसके अलावा 5 और भी है, लेकिन जो प्रमुख रूप से 5 प्रकार की वायु है, इसमें प्राण वायु है, ये जब शरीर को छोड़ती है ना तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इस शरीर का जब टाइम पूरा हो जाता है तो यमदूत जबरदस्ती यमपास डालकर इस आत्मा को शरीर से खींचते हैं। तो जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो बहुत दर्द होता है। जैसे कोई किराएदार है, वो 20 साल से किराए पे रह रहा है, है ना, और अब उसको आप चाहते हो कि हम उसको खाली करवाओ, तो वो खाली नहीं करेगा, क्योंकि 20 साल से रह रहा है, उसे बहुत कष्ट होगा, क्योंकि 20 साल से उसने यहाँ पे पूरा अपना दुकान चला रखी है, है ना, उसके यहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, उसकी जान पहचान है, ये तो आप सब समझ पाते हैं ना, सेटअप है पूरा। अब उसे आप निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? नहीं, वो बड़े मुश्किल से निकलेगा, और निकल भी गया तो उसे बहुत दुख होगा। वैसे ही हम इस शरीर में किराए पे रह रहे हैं और हमें इस शरीर से निकाला जाएगा तो हमें बहुत दुख होगा। तो हमें मृत्यु से बचना है तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो ये हरि नाम की महिमा है। और इसके अलावा पद्म पुराण में कहा गया है
द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र इज प्रेजेंट ओनली ऑन द लिप्स ऑफ अ पर्सन हु हैज फॉर मैनी बर्थ वर्शिप वासुदेव। मतलब पद्म पुराण में कहा गया है कि जिसने कई जीवन तक, करोड़ों जीवन जन्मों तक भगवान वासुदेव की तपस्या करी है, उसके मुख पर इस जीवन में वो सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो हरे कृष्ण महामंत्र कर सके। हरि बोल, हरि बोल। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आपने आपके जप तप जो आपने करोड़ों जन्मों में करे थे उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है, ये उसका फल है। नहीं तो आप सोचिए कि बापू धाम में कितने सारे परिवार हैं, कितने लोग, मैं तो कह रहा हूँ गाजियाबाद में कितने सारे लोग हैं, कितने लोग मंदिर आते हैं, 1% भी नहीं आते, 1% भी, है ना? क्यों नहीं आते, किसने रोका है? उनके अपने ही कर्मों ने उनको रोका है। तो आपके जो है, आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है, आपने करोड़ों जन्मों तक जो तपस्या करी थी उसका आपको फल प्राप्त हो रहा है। और शिव महापुराण में, शिव महापुराण में कहा गया है विश्वेश्वर संहिता 10वां अध्याय शिव पुराण का 36वां नंबर श्लोक, उसमें कहा गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वो अग्नि को भी शांत कर सकता है। किसको शांत कर सकता है? अग्नि को भी। और जो पानी होता है ना, उसको भी शीतलता प्रदान करने की शक्ति किसके अंदर है? हरे कृष्ण महामंत्र में। और पानी के अंदर जो स्थिरता आती है ना, पानी स्थिर होता है ना, वो शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? हरे कृष्ण महामंत्र, मतलब ये शक्ति है हरे कृष्ण महामंत्र की। किसमें लिखा है? पद्म पुराण में। और विश्व को भी अमृत बनाने की शक्ति किसके अंदर है? हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा एग्जांपल आप उदाहरण देखते हैं कि जो मीराबाई थी, भगवान की परम भक्त थी, तो उन्होंने विष पिया है ना, और भगवान का नाम हमेशा जपती थी, तो वो विष जो है वो अमृत बन गया है ना। भगवान भोलेनाथ शिव जी हमेशा राम 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 रमेति ये नाम जो है वो लेते रहते हैं, राम राम का नाम जप करते रहते हैं। आपने देखा होगा शिव जी ऐसे बैठे हैं और परम योगी हैं, वो ऐसे बैठे हुए हैं, उन्होंने रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथ में एक माला दे रखी है और उससे वो चैंटिंग करते हैं और समाधि में रहते हैं। तो वो राम 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 ऐसे अपने अधिष्ठ जो हैं उनके, उनको याद करते हैं। तो जब वो उनको याद करते हैं तो वो एक सिटिंग में जो बैठते हैं 88,000 साल बैठते हैं, एक बार बैठ गए तो 88,000 साल तक बैठे रहेंगे। तो अभी कोई व्यक्ति कुछ मांगता है उनसे तो वो उनको डिस्टर्ब होता है, चैंटिंग कर रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब होता है, तो कोई व्यक्ति भौतिक चीज़ मांगता है तो शिव जी क्या करते हैं? उसको दे देते हैं, चाहे भले ही उसको नुकसान हो या फायदा हो, है ना, तभी लोग उनको भोले कहते हैं। लेकिन वो आप खुद सोचिए कि शिव जी क्या कर रहे हैं, शिव जी भगवान का नाम ले रहे हैं और उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, है ना, कुछ नहीं है, भस्म लगाते हैं पूरे शरीर पे। क्यों लगाते हैं? ताकि लोग उनको पहचान ना पाए, क्योंकि शिव जी कौन है? परम वैष्णव है ना, वैष्णव नाम यथा शंभू, मतलब वैष्णवों में परम जो है वो शिव जी है, 12 महाजनों में से एक है। तो उनका वो क्या कर रहे हैं? वो हमें बता रहे हैं कि आप हरि का नाम लो, आप हरि का नाम लो। और जब वो हरि का नाम लेते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जब उन्होंने विष पिया और इधर से वो नाम ले रहे हैं, कंठ से वो नाम ले रहे हैं, राम 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 राम, तो जब विष जो होता है राम से आके मिलता है, जब विष जो है, जब शिवजी विष पीते हैं, जब वो उनके कंठ में राम से आके मिलता है तो उससे क्या बनता है? विश्राम। तो इसलिए वो हमेशा विश्राम करते हैं, इतनी सारी घर में संसारिक गतिविधियां हो रही हैं उससे वो प्रभावित नहीं होते। तो आप सब संसारिक व्यक्ति हैं, घर में कई तरह के क्लेश होते हैं, है ना, पति पत्नी से परेशान रहता है ना, और पत्नी जो है परेशान पति से परेशान रहती है ना। तो आप सोचिए शिवजी का परिवार, सोचिए शिवजी के परिवार में कौन कौन है? माता पार्वती है ना, गणेश जी, कार्तिक है ना,
आप देखिए इन सब के, अब इन सब के अपनी अपनी कारें हैं। शिव जी का जो व्हीकल है वो है बैल, और जो माता पार्वती हैं उनका व्हीकल है शेर, और जो गणेश जी हैं उनका चूहा है ना, और जो है कार्तिकेय मोर है ना, और कोई बेटा तो नहीं है ना, तो और एक सांप भी है शिव जी के घर में। तो सारी गाड़ियां एक ही पार्किंग में पार्क होती है ना, सारी गाड़ियां एक ही पार्क, भाई गाड़ी तो पार्किंग तो एक ही होगी ना भाई, उनको भी तो रेस्ट करने जाना है, तो उनका क्वार्टर्स अलग है, मतलब साथ साथ ही है, सारी गाड़ियां एक ही पार्किंग में पार्क होती हैं। लेकिन कभी आप सोचिए इतने अलग अलग प्रवृत्ति है सबकी, सांप को कौन खाता है, मोर है ना, मोर खाता है ना, और शेर जो है, शेर का बच्चा ले तो सबको खा जाएगा, लेकिन बैल को भी खा जाएगा, मोर को भी खा जाएगा, लेकिन और जो ये सब जितने भी लोग हैं इसके ऊपर अपने घर में भी जो चलता रहता है भाई, जो मैंने अभी बताया ना, तो ये सब इतनी समस्याएं होते हुए शिव जी अशांत कैसे रह सकते हैं? वो ऐसे रह सकते हैं कि जब वो विष अंदर गया और इधर से राम ऊपर गया, तो जब वो मिले तो बना विश्राम है ना। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में विश्राम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आप काम ये कर सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, उससे आपको परम विश्राम मिलेगा। मैंने एक बार ना वो मृदंग का मृदंग है यहाँ पे, मृदंग दीजिए, तो आपके जीवन में भी विष है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम ये नहीं कह सकते हम कि भाई मतलब हमारे घर में कोई ऐसी विष मतलब कोई परेशानी नहीं है, मतलब हमें अपनों से कई बार दुख मिलता है, बच्चे ही रंग तंग करते हैं तो वो भी विष ही है, पत्नी तंग करती है विष है, पति तंग करता है विष है। तो इस विष को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको राम का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार ना एक फोटो थी कि देखी थी मैंने, ये मृदंग है, तो एक पति था वो मृदंग प्रैक्टिस कर रहा था ऐसे मृदंग प्रैक्टिस कर रहा था जैसे हम करते हैं ना, तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि पत्नी भक्त नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई भक्त होता है कोई नहीं, तो उसको बड़ा गुस्सा आता कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। कई बार पत्नी पति को बोलती है कि भाई आप जैसे ऐसे करो, आप चले जाओ यहाँ हरिद्वार, चले जाओ, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, आप अभी ये उम्र है आपकी, हमारी जिम्मेदारी तो आपसे निभाई नहीं जाती, और आप माला पकड़ के बैठ गए कई बार ऐसा सुनने में आता है। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा था, भजन कर रहा था, पत्नी आई, पत्नी बहुत गुस्से में थी, कुल्हाड़ी लेके आई है ना, मृदंग के दो टुकड़े कर दिए ऐसे बीच में से काट दिया, पति को कोई फर्क नहीं पड़ा, पति भगवान का भक्त था। मैं बता रहा हूँ कि भक्त कितने शांत रहते हैं। पति ने कहा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पति ने मृदंग को ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे उसको तबला बना दिया, वो तबला प्रैक्टिस करने तो इसलिए आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो आप अपने जीवन में कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, ऐसे नए रास्ते आपको दिखाई देंगे जो बाहर के लोगों को नहीं दिखाई देंगे, है ना। मैंने भी एक लेक्चर सुना था, तो उसमें पूछा था वो प्रशांत मुकुंद जी जो है, उनका उन्हीं का था, बोले कि जब से मैं हरिनाम करने लगा हूँ मुझे बहुत फायदा हो गया। बोले जी कैसे, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक कितना हाई होता है ना, जब कभी हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं एक घंटा दो घंटा, जब से माला हार रही है तो मैं तो सोचा चलो भाई अब माला का टाइम हो गया, बाहर लोग लड़ रहे हो तो मैं माला जप रहा हूं, तो ये बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अगर ये घरेलू परेशानियों से भी बचना चाहते हैं तो आप प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र करिए। ये नाम की महिमा है जो शिवजी से हमें पता लगता है। आप देखिए शिवजी के परिवार में इतने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, जब वो साथ रह सकते हैं तो हम लोग धर्म के नाम पर क्यों लड़ते हैं। समाज में लोग लड़ते हैं, जो माता को मानते हैं वो लड़ते हैं जी शिवजी वालों से, शिवजी वाले लड़ते हैं माता वालों से, है ना, दोनों लड़ते हैं जो विष्णु को मान रहे हैं, मतलब इस तरीके से चलता रहता है, और इस हमारे इस लड़ाई झगड़े का फायदा कोई और व्यक्ति उठाता है। तो हमें मिलजुल के रहना सीखना चाहिए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिलजुल के रहना सिखाता है, क्योंकि शिवजी इसको लेते हैं, शिवजी राम का नाम लेते हैं, तो इस तरीके से हमें हर इसलिए ना हमारे जो हरे कृष्ण जो मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पे ये जो ज्ञान दिया जाता है ये सबको दिया जाता है, इसमें कोई धर्म का हमें पर्टिकुलरली धर्म से कोई लेना देना नहीं है,
कि भाई वो किसी और धर्म का है और जाति का है, वो अमीर है वो गरीब है, ये चीजें ना सेकेंड, ये तो चीजें हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ज्ञान है। स्कूल में कोई बच्चा आप बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो साइंस का टीचर ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, वो सबको साइंस पढ़ाता है, सबको ज्ञान देता है। तो उसी प्रकार जो हम जब इस्कॉन मंदिर में आते हैं तो हम ज्ञान लेने के लिए आते हैं, है ना, हम ज्ञान लेने के लिए आते हैं हम, और ज्ञान लेने हर किसी के लिए जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि हम, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम तो माता जी को मानते हैं, हम तो माता रानी को मानते हैं, कोई कहता है मैं शिव जी को मानता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई कि वो उसको यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आना उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है। आप किसको मानते हैं उसको मानिए, लेकिन उसको समझिए, है ना, उसको समझना भी जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम देखते हैं कि लोग जो है ना समझने पे फोकस नहीं करते, बस मानने पे फोकस करते हैं, तो समझना भी जरूरी है। इसलिए क्या होता है कि धर्म के नाम पर लड़ाई होती है और पॉलिटिक्स होती है और लोग जो है ढंग से अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते। इसलिए लोग देखते हैं, आपने देखा होगा कि शिव जी ने हलाल विष पी दिया था तो दो पैग लगाने तो हमारे भी बनते हैं, है ना, तो ये तो लोग सोचते हैं भांग, नहीं वो पैग भी शिव जी के नाम लेके, है ना, तो वो पी जाते हैं, लेकिन शिव जी का कभी हलाहल विष पी के वो उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, और शिव जी कभी उन्होंने ये हलाहल विष पीकर अपनी जो है पत्नी को मारा नहीं, है ना, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करी है, उनका कभी लीवर नहीं खराब हुआ, किडनी खराब नहीं हुई है। लेकिन हम जो है जो छोटे छोटे हैं जो कॉपी करने का प्रयास करते हैं तो उनका क्या होता है कि लीवर किडनी सब आउट हो जाता है, है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, तो एक बार हरी बोल बोलिए। हरी बोल। तो ये है नाम की महिमा। और कितना समय माता जी, समय हो गया, समय हो गया जी, तो ठीक है, एक कथा और भी थी वो कभी हम नेक्स्ट टाइम उसको अगले संडे या उससे अगले संडे जैसे भी, हाँ ठीक है, जैसे माता जी का आदेश होगा हम करेंगे। यहाँ पे सभी भक्त ग्रुप के अंदर एडिट है ना माता जी, तो जो भी मैसेज आएगा आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पर्सनली भी माता जी कॉल करवाते होंगे, है ना। अच्छा, ये जो हमने अभी नाम की महिमा के बारे में बताया, किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ पर, किसी को कुछ डाउट है, ये सब समझ में आ गया, माता जी को माइक दे।